हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द आर्ट्स वर्ल्ड। और इस टाइम पे मैं हूँ नाको में, और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं जल्दी उठ गया था, 6 बजे उठ गया। तो मैं अभी बाहर थोड़ा सा वॉक कर रहा था, तो अब कुछ भूख लग रही है, अब कुछ खाने चलने वाला हूँ। तो अभी से मैंने कुछ लोकल फूड देखा था, वो देखता हूँ यहाँ पे, वो दिखाता हूँ अगर मेरे को मिलता है तो मैं पर खाने चलता हूँ, वहीं पर मिलता हूँ ऐसा। लेकिन खाने का मेरे को मिला नहीं। और ये मैंने तिब्बतियन टी है ये, तो ये इसमें चीनी नहीं है, इसमें बटर है, तो ये थोड़ी नमकीन है, अलग टेस्ट है, बिल्कुल चाय जैसी तो नहीं लग रही, बिल्कुल अलग सा टेस्ट है, लेकिन अच्छी लग रही है। तो ये भी पीता हूँ फिर मिलता हूँ। गाइस, अभी मैंने चाय पी थी और मैं रेडी हो चुका हूँ, बस जैकेट पहननी और निकलना है। हेलमेट भी है पड़ा, जैकेट ये रही, पीछे का बैग मैं जो है बैग पे लगा के आ गया हूँ, टैंक बैग लेके जाना है। और अब मैं मिलने वाला हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो चलते हैं आगे। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं अपने बाइक पे और अब ये नाको विलेज से चलते हैं, जो कि यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर विलेज है ये। यहाँ पे आना एकदम वेट था। और अभी मैं ताबू जाने वाला हूँ, काजा मैं आज नहीं जा रहा, पहले ग्यू मोनेस्ट्री जाना है, वहाँ पे मम्मी है वहाँ जाना है, फिर ताबू जाऊँगा। और बीच में मलिंग में वाटर क्रॉसिंग मैंने सुना कि आएगी, लेकिन बहुत छोटी सी आएगी, अब वो जाके देखते हैं कि कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, जो भी होगा आराम से निकल जाएं। और ये यार एक बार ये तालाब यार कैसा लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था ऊपर से, मुझे लगा था कि ये तालाब है लेकिन ये नहीं है। तो अब यहाँ से ऊपर को चलना है छांगो सुमदो, और तीसरा मैं नहीं पढ़ पाया क्या है, लेकिन मुझे ये पता छांगो रास्ते में आता है, तो हमें इसी साइड चलना है। तो अब यार व्यूज आना शुरू हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं मेरे साथ मतलब इस विलेज में और भी बहुत सारे राइडर्स थे, सारे निकल गए हैं और मेरे को काफ़ी जो है लेट हो गया, अभी टाइम जो है कुछ 10:30 हो रहे हैं। यहाँ से जितने राइडर्स थे वो सुबह सुबह निकल चुके हैं सारे। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है उन लोगों ने काजा जाना हो तो वो जल्दी निकल गए हैं, मेरे को अभी पहले एक होस्टे लेना है। और देखो यार व्यू देखो, और अभी बाइक को मैंने लूप किया, चैन लूप किया, और कल जो थी थोड़ी सी बाइक में प्रॉब्लम आ रही थी, अभी बिल्कुल अच्छी चल रही है। अब यार रोड की जितनी तारीफ कर रहा था ना, रोड की हालत देखो एक बार, ठीक है, देखो बिल्कुल खराब सड़क आ गई है, जिस पे चलाने में भी मुश्किल हो रही है, और साइड में बाउंड्रीज भी नहीं है। ये लो थोड़ा सा पैच था, फिर से अच्छी रोड आ गई है। आगे की पूरी रोड देखो कैसी लग रही है, वो काफ़ी दूर है अभी, यहाँ से पास लग रही है, कि मेरे को वहाँ से गाड़ी दिख रही है बिल्कुल छोटी सी, तो वो दूर है काफ़ी। और यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, पहले भी मैंने देखा था, तो कुछ टाइम मेरी रोड भी बन जाएंगी, जो तो कुछ पैचेस खाली और रखे हैं। ना ना ना, डेंजरस रोड है, इट्स अ डेंजरस रोड। अयो बाइक जंप कर रही है। तो गाइस एक बात है, यहाँ से इधर जाते हैं ग्यू ताबू का रास्ता है, और हमें यहीं से राइट लेना है, ये गेट आएगा, ये ग्यू को जा रहा है, ये लिखा ग्यू, वेलकम टू ग्यू विलेज, तो ये यहाँ से एक राइट लेके जाना है। तो ये एक अपडेट था। तो यार ये ग्यू आने वाला है और आई कैन सी मोनेस्ट्री देयर, तो इसमें और बस 6 मिनट का दिखा रहा है। तो ग्यू जो है विलेज आ चुका है, और इधर भी बताऊँ तो इधर भी जो है होम स्टेज मिल जाएंगे,
और यहाँ पे ये क्या बैंक है? नहीं, पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है। होम स्टेज इधर मिल जाएंगे लेकिन ढूंढने पड़ेंगे, मुश्किल से एक दो होंगे। और मन एफ जी वो रही ऊपर जाके, तो बाइक देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो गाइस ये मन एफ जी आ चुके हैं यहाँ पे बाइक लगा के, अब आगे पैदल चलना है, चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो लेट्स गो गाइस, मैं आ चुका हूँ ग्यू मोनेस्ट्री पे और ये देख सकते हो मेरे पीछे मोनेस्ट्री है। और इधर तो यार काम चल रहा है पूरा कंस्ट्रक्शन का पीछे काफ़ी। और मुझे जितना मालूम था कि जो यहाँ पे जो मम्मी रखी गई है वो इस बड़ी मोनेस्ट्री में नहीं है, उधर साइड में कोई छोटी मोनेस्ट्री थी वहाँ पे रखी गई है और मेरे को अभी कोई दिख नहीं रहा, तो साइड चल के देखते हैं। अभी देखता हूँ कहाँ पे है और दिखाता हूँ। तो यार ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मम्मी रखी गई है और यहाँ पे शूज़ उतारने को बोला गया और ये यहाँ के मम्मी के बारे में लिख रखा है, इसको पॉज करके पढ़ लेना वैसे एक बार। और यहाँ की स्टोरी मैं बताता हूँ, फिलहाल अंदर जो मम्मी रखी गई है वो ये है। तो यार अभी यहाँ मम्मी जी के पास होके आ चुका हूँ मैं और मुझे पता चला है कि, मुझे पता नहीं चला यहाँ की स्टोरी क्या है कि ये जो थे तेंजिन थे लामा, जिन्होंने अपने आप को मम्मीफाइड जो था कर लिया था और ये प्रोसेस जो है जापान में हुआ करता था, ये सब यहाँ नहीं था। तो इन्होंने किया क्यों था पहले तो ये बात है। ये जो गाँव है पूरा विलेज है ग्यू विलेज, यहाँ पे एक बीमारी फैल गई थी जिसमें क्या ऐसा हो गया था कि जैसे कोई श्राप हो गया इनके ऊपर, कोई श्राप हो गया इस गांव पे, तो जो है यहाँ पे बिच्छुओं ने अटैक कर दिया था। तो उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। अब ये जो प्रोसेस इन्होंने किया था, ये जो जापान से आया, ये यहाँ की, ये इंडिया की ओनली मम्मी है जो कि सेल्फ प्रोसेस किया गया है। जापान में क्या करते थे, जापान में तो एक जो है जहर भी हुआ करता था जिसको वो पीते थे और जो है उनके इंटरनल ऑर्गन सुगड़ जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो जहर तो नहीं हुआ करता था लेकिन जो है, मैं सांस फूल लिया अभी चल के आया हूँ काफ़ी। तो यहाँ पे जो है इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल जो है कार्ब्स खाने छोड़ दिए थे, फैट खाने छोड़ दिए थे, बॉडी में पानी बिल्कुल नहीं डालना था, तो ये सब होने लग गया था जिससे कि उनका जो है बॉडी जो है एकदम जो है फैट ना चढ़े बॉडी पे, एकदम वो सुकड़ जाए और वो अपनी बॉडी को रिजर्व करके रख सकें। तो ये अकेला जो है यहाँ पे इंडिया का ओनली मम्मी है जो कि यहाँ पे है स्पीति में ग्यू विलेज में। तो ये स्टोरी थी यहाँ की। तो यार अभी ग्यू में ही मेरी तो बाइक अच्छी सर्किट अपने कैरी कर रहा था जो कि मेरे तो बाइक अच्छी खासी चल गया मेरे यूज़ में, लेकिन ये कुछ मेरे को राइडर्स मिले जिनकी बाइक में पंचर हो गया, तो मैं ज़रा इनकी हेल्प कर रहा हूँ अपनी पंचर दे के, पंचर किट दे के। तो यार हमने इनकी बाइक का पंचर रिपेयर कर दिया और आराम से हो गया। तो इसके बाद मैं फिर से अपने मोटो ब्लॉगिंग से मिलता हूँ बाइक पर जाके। नाउ आई एम डन, अभी इनकी पंचर में हेल्प की। तो अब ये ग्यू की एग्जिट है यहाँ से, ये हम नाको से यहाँ से आए थे और अब ये ताबू की तरफ जा रहे हैं। तो ग्यू विलेज में मेरा जो था नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मेरे पास नेटवर्क आ चुका है और अब रास्ता ये दिखा रहा है 33 मिनट्स का। और एक बार यार ऊपर वेदर देखो, लाइक सामने वाले माउंटेन्स कैसे लग रहे हैं और ऊपर वेदर क्लाउड से उसके ऊपर जो है धूप नहीं पड़ रही, एकदम ऐसे ब्लू शेड जैसा लग रहा है कुछ। और अरे ये रोड जा रही है, रोड यार ऐसे साइड से कितनी, मतलब ऐसा लगता है कितनी खतरनाक रोड है। और वैसे भी मैं इन्हीं रोड्स पे चल रहा हूँ, जब देखो ना साइड से तो लगता है कि काफ़ी जो है डेंजरस है। कथा इधर ये रिवर देखने के लिए और दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे क्या रिवर ने डिज़ाइन बना रखा है। और नीचे तो रास्ता है नीचे जाने का, उधर ट्रैक्टर चल रहे हैं, वहाँ तक जाया जा सकता है।
ऑल दो मैं नहीं जाने वाला। तो यार पीछे अच्छी खासी रोड थी, अरे अचानक से पूरी टूटी हुई रोड आ गई और इस सड़क से पानी निकल रहा, तो क्या करें, खड़े होके निकाल दें। चलो निकल गई। यार ये ताबू जाने का रास्ता तो बहुत अच्छा है, ये रोड्स भी देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, ऊपर नीचे हो रही हैं रोड्स, और ये क्लाउड्स से सारे माउंटेन्स कवर हो गए हैं, लाइक इधर सब जगह पे धूप है, ये वाला पूरे एरिया में शेडो आ रखे हैं, और इधर भी यार लैंडस्केप चेक करो, इसे डेजर्ट ना बोले तो क्या बोले, ऐसा डेजर्ट जिसमें नीचे रिवर भी फ्लो हो रही है लेकिन ऊपर पानी बिल्कुल नहीं है। ताबू विलेज जो है पूरा यहाँ से दिख चुका है, तो ये है ताबू, और यहाँ पे भी होटल होम स्टे मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, पेट्रोल अब मिलेगा काजा जाके। अब मेरी बाइक में हाफ पेट्रोल जो है टैंक में ख़त्म हो चुका है, जो पहले रेकॉन्ग पे उसे डलवाया था। ये हम ताबू में एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पे एंटर करके यार ये तो बिल्कुल ही अलग सी जगह है, लाइक नाको तक में भी अच्छा था, नाको तक में भी लग रहा था कि हम जो हैं थोड़ा सा अपने एरिया में ही हैं, ये तो बिल्कुल ही जो है इंडिया से बाहर लग रहा है। होटल है इधर एक, चेक करते हैं, और शायद स्कूल है, होटल भी है, छात्रावास, यहाँ पे स्कूल भी है, चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यार मैं होटल पहुँच चुका हूँ ताबू में, और मैंने रूम ले लिया, और ये मेरे पीछे देख लो ये रूम है, ये रूम लिया मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, खाने के लिए बैठा था, और मैंने अभी ये चाउमीन मंगाई है, ये खा के फिर बाहर निकलूँगा और बाहर भी देखता हूँ क्या है, पर पहले थोड़ा सा आराम कर लूँ, आज बाइक चला के थक गया, ऑफ रोडिंग बहुत थी और मेहनत भी करी, तो ये खा के फिर मिलता हूँ। तो अभी थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया और मैंने खाना वाना खा लिया, तो अब बाहर चलते हैं और एक बार दिखाता हूँ ये जगह कैसी है ताबू, और इधर एक मोनेस्ट्री भी है वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं होटल से अपने जस्ट नीचे ही उतरा हूँ, और साइड में गेट है मोनेस्ट्री का, ये पीछे गेट है, इसके साइड में मेरा होटल है। पहले मोनेस्ट्री दिखाऊँ तो पहले मेरे पीछे यार व्यू देखो, ये ताबू है, ये मोनेस्ट्री है मेरे पीछे, तो गाइस ये चेक करो यार मेरे पीछे कितना सही लग रहा है। तो ये मोनेस्ट्री का इतना बुरा एरिया, ये सब है मोनेस्ट्री में, तो यार ये पूरी मोनेस्ट्री है मेरे पीछे, ये पूरी मोनेस्ट्री है, और गुफा वहाँ कहीं है, वहाँ पे बाइक लेके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं अभी नहीं जा रहा, और मुझे पता लग गया अभी इस टाइम पे बंद भी है तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन वहाँ ऊपर की साइड उस जगह पे है ये मैं बता सकता हूँ, और यहाँ पे लोकल शॉप्स भी हैं, शॉप्स भी हैं मेरे पीछे, यहाँ से हम लोग कुछ ख़रीद भी सकते हैं। और ताबू इतना ही है, ये छोटी सी जगह बिल्कुल ताबू जो है, एक ही मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री के आसपास ही, वहाँ पीछे मोनेस्ट्री के एंट्री एग्जिट दोनों गेट हैं, और वहाँ से जो है होटल स्टार्ट है, और ये है एक ओल्ड मोनेस्ट्री, अंदर की फिर से वीडियो नहीं ले सकते इसलिए बाहर से दिखा रहा हूँ। तो ये गेस्ट हाउस है, ये मोनेस्ट्री के गेस्ट हाउस हैं। तो यार पहले तो मैं ये दिखाऊँ, ये मेरा होटल है, और सुबह मैंने बटर की पी थी, वो मेरे को अच्छी लगी थी यार, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ मेरे को मिल नहीं रही, मेरे को पता लगा सामने एक होटल है उधर मिलेगी, तो उधर जाके ढूंढ रहा हूँ, तो मिलती है तो बताता हूँ। वैसे इधर बटर टी मिलती है, वो क्या हमारे जो है लंग्स के लिए गले के लिए बहुत अच्छी रहती है, वैसे वो बटर है लेकिन बहुत अच्छी रहती है, तो दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ मैत्रेया रेजिडेंसी, मैं मेरे पीछे देखो, पीछे वही दिख नहीं रहा, माउंटेंस के बीचों बीच बैठा हूँ मैं, और अभी मैंने एक बटर टी ऑर्डर किया है, और एक आलू फिंग्स विद टिमोक कुछ लोकल डिश है वो मंगाया, वो खा के देखते हैं क्या चीज़ है। टिमोक मुझे कुछ नाम अलग सा लगा तो मैंने मंगा लिया,
बटर टी तो मुझे अच्छी लगी थी, तो वो खाते हैं और वो आता तो दिखा दूँगा। सो गाइस ये है बटर टी, इसके ऊपर कुछ बटर दिखा भी रहा होगा। ये बिल्कुल नमकीन होती है और मीठी तो बिल्कुल नहीं होती, और वही है कि ये सिर्फ यहीं पे मिलती है क्योंकि ये ठंड में ज़्यादा पी जाती है और गले वाले के लिए अच्छी रहती है यही सब। अब जो दूसरा जो मैंने मंगाया वो आता है वो भी दिखाता हूँ, तब तक इसको पीते हैं। नाकों में ज़्यादा अच्छी थी तो ये आलू की सब्जी है, प्लस ये जो ये न्यूडल जैसा ये राइस से कुछ बना हुआ है, प्लस ये टिमोक इन्होंने बताया कुछ मोमोज जैसा कुछ है, इसके अंदर कुछ फीलिंग नहीं है, इसको इसके साथ ऐसे खाना है। तो अभी कैसे खाऊँ इसको, अच्छा है ये टिमोक, अच्छा है ये, नहीं है आटे से, आटे आटे से ही बने हैं और बहुत सॉफ्ट है, लाइक इसको फ्लफी किया गया है देन इसकी रोटी बनाई गई है, तो ये भी यहाँ पर स्पीति में ट्राई करना चाहिए। ये मैं खा के फिर होटल जाने वाला हूँ। मैं होटल आ चुका हूँ अपने, और आज मैं नाको आया, नाको घूमा, नाको नहीं आज मैं ताबू आया, ताबू मैं घूमा, और कल फिर से निकल जाएंगे एक नई जगह को। और यार यहाँ से ना स्टार गेजिंग दिखना स्टार्ट हो रही है, और मैंने यार मैं बाहर जाके वीडियो बना रहा था, मैंने जैसे कैमरा बाहर किया तो कुछ नहीं दिख रहा कैमरा में, कैमरा में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।